नमस्कार फ्रेंड, झटपट चटपट घरेलू डिश में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड, आज हम एक नया रेसिपी बनाएंगे, कुरकुरे टिक्का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुरकुरे टिक्का। फ्रेंड, इसके लिए लिए हैं कुरकुरे 5 रुपया वाला 4 पैकेट, आलू 4 मीडियम साइज फ्रेंड कटा हुआ, और कुछ भी चीज नहीं चाहिए फ्रेंड। अगर आपको जरूरत है ज्यादा तीखा खाना तो हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, और 2 चम्मच सरसों तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड, इसके लिए लिए हैं कुरकुरे, देखिए फ्रेंड, छोटा पैकेट 4, और मीडियम साइज आलू 4-5 उबला हुआ, और सरसों तेल। और आप हरी मिर्च अगर ज्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो ज्यादा कम भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुरकुरे को मिक्सी के जार में डाल लेंगे फ्रेंड। और अगर आप हरी मिर्च ज्यादा खाना चाहते हैं फ्रेंड तो 1-2 ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल 2 बहुत ही अच्छा तीखा आ जाएगा फ्रेंड। सूखा बिना पानी का फ्रेंड हम मिक्सी के जार में इसको चलाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा कुरकुरे इतना अच्छा पीस गया। इसको अच्छे से निकाल लीजिए फ्रेंड, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड। अब इसको हम आलू को इसमें मैश करेंगे फ्रेंड, मैश करके अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड, बस 2 चीजों से मस्त टिक्का बनेगा फ्रेंड आलू का। इस तरह मिक्स कीजिए फ्रेंड। एकदम हाथों से एकदम मिक्स करना है फ्रेंड अच्छे से, ताकि लम्स गुठली बिल्कुल ना रहे फ्रेंड। नमक भी नहीं डालना है फ्रेंड। ये देखिए, हमारा टिक्का के लिए ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए, बिना कोई मेहनत का फ्रेंड। अब हम इसको इस तरह थोड़ा बड़ा बड़ा गोल गोल करेंगे फ्रेंड। इसमें तेल डालने की भी कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड, देखिए इस तरह। थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा फ्रेंड, एकदम स्मूथ अच्छे से इसको। अब हमारा देखिए फ्रेंड, हमारा पेन गर्म हो गया फ्रेंड। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल देंगे। बस 1 से 1.5 चम्मच आप तेल डालिए फ्रेंड। सरसों रिफाइंड जो भी आपके दिल करे वो डाल सकते हैं फ्रेंड। अब इसको थोड़ा सा दबाव देते हुए इसमें फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें रखेंगे फ्रेंड। ये देखिए, और इसको जो किनारे पे तेल है इसको इस तरह करते हुए बस।
बीच बीच में फ्रेंड थोड़ा थोड़ा इसको बीच बीच में पलटेंगे इस तरह, और थोड़ा थोड़ा सरसों तेल डालेंगे फ्रेंड, या रिफाइंड जो भी आप डाल सकते हैं, सब में ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा फ्रेंड। 2 मिनट में नाश्ते के लिए ये टिक्का तैयार है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये हमारा टिक्का पलटते हुए कितना कलर अब चेंज हो रहा है फ्रेंड। बस इस तरह थोड़ा थोड़ा आप इसमें ऑयल डालते रहिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हम दोनों तरफ से पलटते हुए थोड़ा थोड़ा सरसों तेल डाल लिए। अब आप इसको इस तरह थोड़ा, ताकि हमारा सारे टिक्का में तेल अच्छे से जाए फ्रेंड। ये कुरकुरे टिक्का बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, जैसे हमारा थोड़ा रेडनेस आ गया, हम इसको बीच में फिर से प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस तरह प्रेस करते हुए इसको पलटेंगे फ्रेंड। थोड़ा देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। सावधानी से पलटते हुए आप दोनों तरफ से इसी तरह सेक लीजिएगा फ्रेंड। देखिए ये कितना टेस्टी और लजीज टिक्का बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। अब हम इसको सर्व करेंगे फ्रेंड। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपना अनुभव झटपट झटपट घरेलू डिश में जरूर लिखिए। नमस्कार फ्रेंड।